आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे से होंगे और गर्मी का मजा ले रहे होंगे। अभी बहुत भयानक गर्मी है, 45 टेम्परेचर है जबलपुर में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोगों के साथ कोई किचन की रेसिपी शेयर करने नहीं जा रही हूँ, और एक बहुत ही काम की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम एक स्मार्ट होम मेकर या स्मार्ट वुमेन बनने के लिए सिर्फ किचन में बढ़िया कुक होना ज़रूरी नहीं है। बढ़िया कुक होने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर से संबंधित है या किचन से संबंधित है, तो उसकी भी जानकारी हमें होना उतना ही ज़रूरी है जितना हम किचन में तरह तरह के डिशेज बनाते हैं और घर को मेंटेन करके रखते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही काम की टिप्स शेयर कर रही हूँ। छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाइएगा। तो चलिए चलते हैं किचन के तरफ। आज मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। आज मैं जब नाश्ता बना रही थी तो उसी समय अचानक गैस मेरा ऑन की, तो गैस जल ही नहीं रहा था। तो मैं सोची कि गैस ख़त्म हो गया है क्या, क्योंकि अभी 15 दिन पहले मैंने सिलेंडर चेंज किया था। लेकिन फिर भी 2-3 बार कोशिश की तो गैस नहीं जला। तो फिर मैं उसे छोड़ करके इंडक्शन पे जल्दी जल्दी नाश्ता बना कर करके और दी। फिर जब मैं बाद में गैस को ऑन कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि गैस थोड़ा थोड़ा जल रहा है। तो फिर मुझे शक हुआ, तो मैंने ये बर्नर निकाल करके और बर्नर को साफ करके बर्नर साफ की, और हो जाता है क्या कि दिन भर हम किचन में खाना बनाते रहते हैं तो उसे क्या होता है कि हमारा गैस का बर्नर भी है ना, वो गंदा हो जाता है। तो हमें बीच बीच में इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। साफ़ करने के बाद ही मतलब लगता है कि हाँ, गैस अच्छे से पास हो रहा है, और इससे हमारी गैस भी कम लगेगी और गैस की खपत भी कम होगी। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में बर्नर को हमेशा निकाल करके साफ़ कीजिए, जैसे आज मेरे साथ हुआ था। तो वैसे आपके साथ नहीं हो, क्योंकि बर्नर अगर गंदा रहेगा तो गैस नहीं जलेगा। और दूसरी मैं बताती हूँ कि जब बाद में मैंने घर में बेटा को बुलाई और वो जब आकर के गैस चेक किया तो सिलेंडर में गैस था, लेकिन गैस मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि गैस है कि नहीं है। तो उसको भी मैं आपको एक अच्छा सा टिप बताती हूँ, जिससे हम देख सकते हैं कि हाँ, गैस है कि नहीं सिलेंडर में। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि हम कैसे, जैसे अचानक ऐसा होता है कि घर में कोई भी नहीं है, जेंट्स नहीं है और सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो हमें पहले से पता चल जाए कि हाँ, अगर कि हमारे सिलेंडर में कितना गैस अभी बचा है, तो हम उसकी व्यवस्था करवा कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं सिलेंडर के पास चलती हूँ और बताती हूँ कि कैसे हम पता लगाएंगे कि सिलेंडर में गैस अभी कितने दिन तक चलेगा। तो सिलेंडर है तो मैं पता लगाऊंगी कैसे कि कौन सा सिलेंडर मतलब कितना गैस है और कि पूरा खाली हो चुका है। तो उसके लिए एक गीला कपड़ा लेकर के, और गीले कपड़े से मैं सिलेंडर को चारों तरफ से इसे अच्छे से हम पोंछ देंगे। इसमें एक भरा हुआ है और एक खाली है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी कि कौन सा भरा है और कौन सा खाली है, वो आपको मैं करके ही दिखाऊंगी। तो ये दोनों सिलेंडर को मैं अच्छे से चारों तरफ से इसे पोंछ के और ये एकदम गीला कर देंगे, और गीला करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक छोड़ देंगे, और तो पता चले जाएगा कि एक बहुत ही अच्छे खास ट्रिक के साथ। तो चलिए इसे मैं चारों तरफ से गीला कर दी हूँ, और गीला करने के बाद इसे मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि मेरा कौन सा सिलेंडर खाली है और कौन सा भरा हुआ है और किस में कितना गैस है। तो फ्रेंड्स, ये वाला सिलेंडर मेरा पूरा खाली आज हो गया था। तो ये देखिए, ये पूरा सूख गया है ये सिलेंडर, और ये सिलेंडर मैं अभी जस्ट मंगाई हूँ नीचे से। तो ये सिलेंडर मेरा अभी तक ये पूरा गीला है। तो ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम पता कर ले कि हाँ, हमारे सिलेंडर में कितना गैस अभी अवेलेबल है। अब ये देखिए, ये पूरा सूख गया, ये सिलेंडर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सूख गया। तो ये खास ट्रिक है कि आप भी इसे फॉलो कीजिए, अगर गैस कम है तो आप मतलब पता कर सकते हैं कि गैस कितना इसमें भरा है। अगर खाली ये रहता है तो ये भी 2 मिनट के अंदर पूरा सूख जाता, लेकिन ये अभी गीला है और ये देखिए पूरा सूख गया। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अचानक बल्ब फ्यूज़ हो गया,
तो हम वेट करते हैं कि कोई जेंट्स आएंगे तो बल्ब लगाएंगे, तो ये छोटी छोटी काम हम खुद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, बस इस तरह से हम बल्ब को इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे, बस थोड़ा सा घुमाते ही ये बल्ब निकल जाता है। और इसके बस ये पिन जो है, ये पिन को हमको इस पिन में सेट करनी रहती है। तो देखिए ये जो दो पिन है यहाँ, ये पिन को हम इसमें सेट करेंगे। ये देखिए ये वाला जो इसमें क्रॉस बना हुआ है, बस इस क्रॉस पे हम इसको घुसाएंगे और हल्का सा पुश करेंगे, और ये देखिए लग गया, ये बल्ब लग गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मीटर के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मीटर कैसे काम कर रहा है। ये छोटी मोटी जो सारी चीज़ें हैं ये